ये मेरा चिकन चिली रेडी है, एक प्लेट के पार्सल हो रहा है। ये देखिए हो गया फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। ये चिली चिकन बन रहा है, चिकन का अभी पीसेस काट रहे हैं, तो देखिए काटने का स्टाइल कैसा है, किस तरीके से काटा जाता है। ठीक है, मैदा और कॉर्नफ्लावर है ना। नमक ऐड किया थोड़ा सा। ये गया अंडा, एक अंडा के जैसा, एक से थोड़ा कम। अब ये थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स हुआ। देखिए बैटर का कंसिस्टेंसी, थिकनेस कितना रहता है। अब इसके अंदर चिकन डुबा के फिर उसको फ्राई किया जाएगा। ये गया चिकन। ये गाइस में ये एक प्लेट ऑर्डर दिया है, अभी ये स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया, देखिए कैसा बनेगा। तेल गरम नहीं हुआ है, हुआ है? स्टोव बंद है भाई, ये चालू है, चालू। तो चिली चिकन के लिए चिकन नगेट्स फ्राई कर रहे हैं अभी। गाइस ये चाइनीज डिश बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा समझना चाहिए इसको, कब क्या कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें मिलाना है और उसका टाइमिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस के बाद आ जाता है। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनाता है ये भाई बना रहे, तब तो देखिए और सीखिए और अपने घर पर भी रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा। ये शिमला मिर्च काट रहे हैं बड़े बड़े पीसेस। अब ये शैलेट्स काट रहे हैं प्याज। चाइनीज में इस टाइप का जो प्याज है वो अच्छा टेस्ट होता है, तो बड़ा बड़ा प्याज है जो रेस्टोरेंट वाले अवॉइड करते हैं, तो ये प्याज थोड़ा सा अच्छा बनता है, ऑथेंटिक बनता है। अब ये प्याज गया गरम तेल के अंदर, थोड़ा फ्राई करेंगे। तो भाई ये भाई का बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है इसका। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिए, देखिए जैसा तो हल्का ब्राउन हो गया प्याज, और जो चिकन नगेट जो रोस्ट फ्राई करके रखे थे उसके साथ फिर बाद में वो बनाएंगे। तो ये बेसिक हो गया, ये देखिए। अब ये जा रहा है अदरक, फिर लहसुन जाएगा, अदरक चॉपिंग हो रहा है। अब ये अदरक मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो गाइस अभी ये फ्राइड राइस के लिए चिकन पीसेस हो रहा है, चिकन फ्राइड राइस बनाने वाले हैं अभी। तो वैसे फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले ये अंडा जो है, तीन अंडा इसमें भून लिए है, दो प्लेट फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, तो तीन अंडा जैसा है तो मुर्गी बना रहे हैं। अभी अंडा में शायद कुछ और डालेंगे, एक क्या लहसुन गया अंडा के अंदर, तो उसका फ्लेवर के लिए थोड़ा सा लहसुन डाले पेस्ट। अभी अंडा के अंदर चिकन भी डाल दिए इन्होंने, ये गया राइस इसमें। ये चाइनीज सॉल्ट और ऑर्डिनरी सॉल्ट और थोड़ा सा सीजनिंग सोडा डाले हैं, और ये डाल रहे हैं ग्रीन चिली सॉस। शेजवान चटनी थोड़ा डाली, ये थोड़ा हल्का सा फ्लेवर के लिए।
सोया सॉस भी आएगा ना। हाँ सोया नहीं डालता तुम लोग, हल्का डाल, अच्छा लगेगा। सोया सॉस थोड़ा डाल रहे हैं। ये देखिए हो गया फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। चटनी दिया सब, ये सोया सॉस चिली सॉस से थोड़ा सा कम कम डाले तो क्या टेस्ट थोड़ा हल्का रहेगा, ऑथेंटिक फ्लेवर ज़्यादा मिलेगा चाइनीज़ का। नॉर्मली इंडिया के जो स्ट्रीट फूड वाले लोग होते हैं मैक्सिमम क्या ज़्यादा ज़्यादा कर डालते हैं तो, लेकिन वो ज़्यादा टैंगी फीलिंग हो जाता है। तो चाइनीज़ में ऑथेंटिक चाइनीज़ जो है टैंगी नहीं रहता है, ब्लैंड रहता है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा हल्का हल्का डालें। तो ये परफेक्ट बन गया है अपना चिकन फ्राइड राइस। तो गाइस ये मेरा पार्सल रेडी है फ्राइड राइस, पैकिंग हो रहा है फॉल के अंदर। एक प्लेट लिया है, क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छा दिया है। तो गाइस अभी ये चिकन चिल्ली बनने का तैयारी है। ये गया लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट अंदर, ये थोड़ा ग्रीन चिल्ली मार दिए। अभी अच्छे से सौते कर रहे हैं इन लोग। तो ये बन रहा है मेरा चिकन चिल्ली ड्राई। भैया थोड़ा सा ग्रेवी रखना, ज़्यादा मत रखना, हल्का हल्का मतलब ड्राई करना एकदम, तो हल्का सा ज़्यादा नहीं, मीडियम से थोड़ा कम ही होगा। तो अभी देखते दोस्तों रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चिल्ली कैसा बन रहा है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रहा है, आप लोगों को खुशबू दे बता नहीं सकता हूँ मैं कैसा आ रहा है। तो ये गया चिकन स्टॉक, अंदर गया चिकन स्टॉक, ये गया अजीनोमोटो, ये क्या डाले ब्लैक पेपर, ये सॉल्ट, ये अपना सोया सॉस। ये चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। सेजवान चटनी। अभी जा रहा है ये चिकन और प्याज और जो हमारा शिमला मिर्च जो तैयार किए थे पहले। अब देखिए इसमें कॉर्नफ्लावर भी जाने वाला है, उसका थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लावर थोड़ा पानी में मिला के कंपलसरी ये डाला जाता है, तो इसका थिकनेस बनता है ग्रेवी का और थोड़ा सा ड्राई बनेगा। थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ अभी फ्राई करेंगे। ये डाल दिए स्प्रिंग ऑनियन, अभी हो गया है। ये देखिए ये मेरा चिकन चिली रेडी है, एक प्लेट पार्सल हो रहा है। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया कैसा चिकन फ्राइड राइस और चिली चिकन कैसा बनता है रेस्टोरेंट में, कितने सिंपल तरीके से। और आप लोग भी ये स्ट्रीट स्टाइल बनाने का कोशिश कीजिए। छोटा रेस्टोरेंट है ये मिरर रोड में ही है ये रेस्टोरेंट। तो मेरा खाना पूरा रेडी है। तो गाइस मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाय बाय टाटा, सी यू नेक्स्ट वीडियो।